अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू GI मेडिकल स्किल एंड क्लिनिकल प्रोसीजर। आज का हमारा बहुत ही ख़ास टॉपिक है जो कि हर मेडिकल फील्ड के पर्सन को मालूम होना ज़रूरी है। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। हम आपको बेसिक से स्टैंडर्ड की तरफ लेके जाएंगे। हमारा टॉपिक है स्पैग्मो मैनोमीटर। स्पेल करेक्शन की गई है। स्पैग्मो मैनोमीटर स्पैग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। ये एक डिवाइस है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करती है और इसे रेफर किया जाता है स्पैग्मोमैनोमीटर से। स्पैग्मोमैनोमीटर को इन्वेंटेड किया गया सैमुएल सिगफ्राइड कर्ल रिटर ने 1881 में, और स्कॉपियन ने इसे और इंट्रोड्यूस किया आसानी से, इससे ज़्यादा सैमुएल से ज़्यादा 1896 में। सबसे पहले मैं आपको स्टेथोस्कोप के बारे में बताती हूँ। ब्रीथ ऑन स्टेथोस्कोप हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस इट्स इन्वेंशन 200 years ago। ओरिजिन किया गया इसे ग्रीक लैंग्वेज से। स्टेचोस मीन्स चेस्ट एंड स्कोप्स मीन एग्जामिनेशन। 1816 में इसे इन्वेंट किया गया। रिन थियोपाइल हायसिन लाइनेक ने फर्स्ट स्टेचोस्कोप बनाया, इन्वेंट किया, जैसे कि आपको इस स्क्रीन में नज़र आ रहा है। लेकिन इससे भी पहले 18th सेंचुरी में पेरियर जो थे वो इन्वेंशन स्टेथोस्कोप, डॉक्टर जो थे वो परकर्जन और अस्कल्टेड टेक्निक से मेजर करते थे। इसके बाद 1816 में आया देन 1851 में इसे थोड़ा और डिस्कवर किया गया। 1873 में इसे और डिस्कवर किया गया। 2 ट्यूब्स लगा दी गई, एक लंग्स के लिए और दूसरी अनदर के लिए। 1852 में न्यूयॉर्क में हुआ, इन्वेंट हुआ, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। 1945 में डिज़ाइन किया गया, 2 साइड्स हैं, 1 फॉर हार्ट द अदर फॉर लंग्स विद 2 हियरिंग ट्यूब्स के साथ। 1970 में 3 mm लिटमन ने इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि आपको पिक्स में नज़र आ रहा है। इसके बाद अब तो मज़ीद इन्वेंशन होती गई स्पैग्मोमैनोमीटर की और स्टैथ की भी।
रिपार्ट स्टेटस कॉल, ये आपको नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं, स्टेथोस्कोप की हिस्ट्री आपको बता दी। स्फैग्मोमैनोमीटर ब्लड मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड्राइड स्फैग्मोमैनोमीटर